और नैनीताल में लगातार हो रही बरसात को देखते हुए वन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी ने विभाग की सभी रेंजों में यहाँ पर वैध लकड़ी और साथी खनन और वन्य जीव के शिकार को रोकने के लिए स्पेशल वन सुरक्षा दल का गठन कर दिया है, जो कि 3 यहाँ पर शिफ्ट में काम कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पर विभाग की सभी रेंजों से यहाँ पर जंगलों में कर्मचारियों की भी गश्त को बढ़ा दिया है, ताकि वन तस्करों को पकड़ा जा सके। वन विभाग तो एक प्रकार से वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और आबादी ना आए करके एक तार वार लगवा रहा है और सोलर फेंसिंग की गई है, खाई जगह जगह खाई भी खोदी गई है। परंतु बरसात में ऐसा देखने में आता है कि क्योंकि गांव के आसपास भी घास काफ़ी हो जाती है, तो जानवर कभी कभार तेंदुए वगैरह आबादी के क्षेत्र में आ जाते हैं। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सारी रेंजों में नियमित रूप से गश्त चालू है और वन क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो टीमें बनाकर हर सेक्शन वाइज गश्त करें और कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि अगर कहीं दिखाई देती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई।